की न्यूज खबरों का नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। करेंगे खबरों का लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के 1,75,000 परिवारों के गृह प्रवेश की खुशियां साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने खोले पत्ते, प्रेमचंद गुड्डू, सुशील शर्मा समेत 15 उम्मीदवारों की सूची जारी। पोहरी और करैरा विधानसभा को बड़ी सौगात, सीएम शिवराज ने दी 300 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। अपने संबोधन में कमलनाथ पर जमकर गरजे शिवराज, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगाया आरोप, कहा बेटियों की शादी का पैसा खा गए कमलनाथ। महाराष्ट्र के बहाने बीजेपी पर बरसे जीतू पटवारी, कहा सिंधिया जलने वाला पदार्थ है, डरते हैं सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट, रिकॉर्ड 2,240 मरीजों की पुष्टि, अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 83,609। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मुरैना के दिमनी व आभा के मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया करोड़ों रुपए का भूमि पूजन व लोकार्पण कर सभा को संबोधित किया। दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन व लोकार्पण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिमनी विधानसभा क्षेत्र में 85,89,00,000 रुपए का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अम्बा विधानसभा क्षेत्र के पोरसा में 101 करोड़ रुपए की लागत से 30 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। सेवक के रूप में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मंच पर उपस्थित हमारे साथ इस चंबल क्षेत्र में जिन्होंने विकास और प्रगति की पीड़ा अपने कंधों पर हाथों में उठाई है, केंद्र सरकार में हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री और जिनके साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंचखड़ा सिंह, हमारे कैबिनेट मंत्री एदल सिंह कंसाला जी, पूर्व विधायकगण रघुराज कंसाला जी, शिवमंगल सिंह जी, नौजवान ऊर्जावान और संकलित जनसेवक, इस चुनाव में हमारा प्रत्याशी गिरिराज गंडोतिया जी जो मेरे मंच पे मेरे साथ बैठे हुए हैं। फिलहाल इसी पार्टी के सपूत जिनमें आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है, जो नरेंद्र मोदी जी के बाएं हाथ है, दाएं हाथ है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र जी तोमर जी एक बार तालियां बजाएं जो उनका दोनों हाथ उठाकर नरेंद्र जी जिनके कारण कमलनाथ की सरकार ने माननीय विधायक बचत पूरे किए और जिन्होंने कहा कि बचत के भाव पानी पूरे करो, कमलनाथ को ही उतार दिया, सत्ता का पता पता नहीं है, तुलसी कहां चली गई,
मध्य प्रदेश के 1,75,000 परिवारों के गृह प्रवेश की खुशियां साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के तहत दिए जा रहे घर, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, साथ ही कोविड-19 की समीक्षा को लेकर क्या कहा है ये भी सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा मध्य प्रदेश में 2.25 लाख गरीब भाई बहन प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में प्रवेश करेंगे। गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है, कार्यक्रम को सम्मानित प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे और 2.25 लाख लोग उस दिन से अपना नया जीवन प्रारंभ करेंगे। उसकी तैयारियां लगातार जारी है। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। गरीबों के लिए जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। गरीब हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, बच्चे हो, समाज के हर वर्ग की जिंदगी में उन्होंने आनंद और प्रसन्नता का रंग भरने की के प्रयास किए हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम गरीब कल्याण पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही, तो सेवा सप्ताह के साथ गरीब कल्याण कार्यक्रम हमारे साथ चलेंगे। 16 सितंबर को लगभग 37 लाख गरीब बहन और भाई जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी राशन की, उनको राशन देना प्रारंभ किया जाएगा। 17 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार के साथ दूध के वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में पिछले साल की खरीफ की फसल का फसल बीमा योजना की राशि 4,600 करोड़ रुपया डाली जाएगी। 19 तारीख को वनाधिकार के पट्टे आदिवासी भाई और बहनों को जो पात्र है उनको दिए जाएंगे। और उसके साथ ही जो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को ब्याज मुक्त जिसकी गारंटी प्रदेश की सरकार लेगी, 10,000 रुपए का वितरण किया जाएगा। 20 तारीख को संबल के हितग्राहियों को जो योजना कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी हम फिर लाभ वितरण का काम करेंगे। 21 तारीख को स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने का नया अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अलग अलग समूहों के खाते में 150 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। 22 तारीख को मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए राशि का वितरण किया जाएगा। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राहियों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण और उसके साथ किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देने के लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए की राशि प्रदाय की जाएगी। 24 तारीख को उद्यान की फसलों के फसल बीमा योजना में 100 करोड़ रुपए की बीमा राशि का वितरण किया जाएगा। और 25 सितंबर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आधारभूत दर्शन दिया है, जो हमारी प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र है, उस दिन गरीबों को बिजली देयकों में जो छूट दी गई है उससे संबंधित जो राहत हमने दी है कार्यक्रम हम करेंगे। तो 16 सितंबर से लगा के 25 सितंबर तक लगातार कार्यक्रम
हमारे जारी रहेंगे। आज कोरोना की फिर से मैंने विस्तार से समीक्षा की है। मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है और इसलिए किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। संजय शुक्ला जी जो हमारे अधिकारी हैं वो ऑक्सीजन की आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। हमने अलग अलग राज्य सरकारों से भी चर्चा की है और लॉन्ग टर्म योजना भी बनाई है ऑक्सीजन की सप्लाई की। आज केंद्रीय दल भारत सरकार का मध्य प्रदेश के दौरे पर आया है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों को भारी तबाही हुई है, मकान ढह गए हैं, कई गांव पूरी तरह से डूब गए थे, सामान का नुकसान हुआ है। जनहानि हमने नहीं हो दी, लेकिन बाकी नुकसान तो हुआ ही है, कई जगह पशु हानि भी हुई है, सड़कें खराब हो गई है, टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक प्रारंभिक आकलन के अनुसार लगभग 9,500 करोड़ रुपए का नुकसान कुल मिलाकर हुआ है। ये और बढ़ सकता है क्योंकि सर्वे का काम अभी चल रहा है। केंद्रीय टीम नुकसान का आकलन करने आज मध्यप्रदेश आई है, प्रभावित जिलों में जाएगी। ये अतिवृष्टि और बाढ़ से नुकसान के लिए आई है, लेकिन हम भारत सरकार से और अनुरोध कर रहे हैं, कीट व्याधि के कारण फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, स्टेम बोरर तना छेदक के कारण, एलोमोजिक के कारण क्षति पहुंची है। राजस्व के अमले को हमने निर्देश दिया है, जहां किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वहां सर्वे का काम करें। फसल बीमा योजना भी हमने करवाया है और क्षति के आकलन के आधार पर किसानों को राहत की राशि भी देंगे। फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के हमारी कोशिश रहेगी हम नुकसान की भरपाई कर दें। लेकिन हम केंद्र सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि कीट व्याधि के कारण जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी केंद्रीय दल भेजे। आज मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ और मुझे विश्वास है इसके लिए भी केंद्रीय टीम आएगी। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की अवैध उत्खनन को लेकर निकाली जा रही यात्रा को समापन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये यात्रा का नहीं कांग्रेस का ही समापन होने जा रहा है। वहीं सारंग ने कहा कि जो खुद अवैध उत्खनन वक्र रहे थे वही यात्रा भी खुद कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आने के बाद अब दलाली हफ्ता वसूली बंद हो गई है, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। इसके सभी प्रपंचों को अब जनता समझ चुकी है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया गया। का संकट पूरे दुनिया में है, देश में है, मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, परंतु ये एक ऐसी महामारी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता हमें अनुशासन सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इस समाज को चलाना होगा। इस
हम सबको अपने जीवन को जीना होगा, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना संकट की हर समस्या से निपटने को तैयार है। जहां एक तरफ सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देपालपुर की एक घटना ने इनके दावों की पोल खोल दी है। दरअसल मामला देपालपुर के चतवाड़ा गांव का है, जहां दलित समाज के लोगों ने बारिश में सड़क पर महिला की लाश को रखकर प्रदर्शन किया। बता दें कि देपालपुर में एक शमशान घाट तक नहीं है, वहीं निजी कही जाने वाले शमशान में जब लोग महिला का शव जलाने गए तो दबंगों ने उन्हें जलाने से रोक दिया, जिसके बाद भड़के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं लोगों ने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। अब सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से दलितों की समस्या का समाधान कब तक निकलेगा। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, मेरे हिंदू समाज के ऊंची जात वालों को हे भगवान भोलेनाथ इनको सद्बुद्धि दो। सिलवानी में क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने सिलवानी पंचायत परिसर में आयोजित समारोह में 2,12,00,000 के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की तारीफ कर 15 माह के कांग्रेस सरकार के कार्यों की आलोचना की। यहां पर आमजन की समस्याओं को सुनकर अफसरों को निराकरण के निर्देश दिए। क्षेत्रीय विधायक व पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत जनपद पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के दबंग एडी विधायक के नाम से मशहूर दमोह जिले के पथरिया से विधायक रामबाई सिंह परिहार ने 8 सितंबर 2020 को भोपाल में एक निजी हॉस्पिटल में अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बात की जानकारी लगते ही विधायक रामबाई ने अपने आप को होम आइसोलेट किया। साथ ही विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से निवेदन किया कि जो मेरे कार्यक्रमों के दौरान संपर्क में आए वो भी अपना अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। बता दें कि रामबाई अभी हाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिलकर आई। कल हमने अपनी जो जांच कराई है कोरोना की, तो वो हमारी पॉजिटिव आई है। तो जो भी हमारे संपर्क में आए हैं, जो भी हमसे मिले जुले हैं, जिन बातचीत भाई जिनसे, तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सभी लोग अपना चेकअप कराएं। और मुझे अपनी तो कोई चिंता है नहीं है, लेकिन चिंता है तो हमारे क्षेत्र के और विधानसभा के किसान भाइयों की, सबकी। तो इसके पहले मैंने सीएम साहब से चर्चा की थी कि किसानों की फसलों का मुआवजा सर्वे कराया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाना इलाके में एक नाबालिग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्र